लोग श्वान तो पालना चाहते हैं, पेट्स पालना चाहते हैं, लेकिन पेट्स कौन सा पालें, कौन सा खरीदें, ये एक यक्ष प्रश्न होता है। तो आइए आज हम बात करते हैं इस खास समस्या पर कि किस तरह का पेट्स, अगर कभी गलत पेट्स आ जाए तो क्या तकलीफ होती है, या आपको चयन में किस तरह की सावधानी बरतनी है। इसमें कई तरह के पैरामीटर हैं। पहली बात तो ये कि आप ये तय करें कि आपके यहाँ जो श्वान पालने जा रहे हैं आप, तो वो किस तरह का श्वान है, मतलब वो आप छोटा ब्रीड पालना चाहते हैं या बड़ी ब्रीड पालना चाहते हैं, पहले ये तय कर लें। दूसरी बात ये भी तय कर लें कि आप खुद इंटरेस्टेड हैं कि आपकी पूरी फैमिली इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर हम बच्चों की ज़िद पर श्वान ले आते हैं, पप्स ले आते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं तो ये सारा दारोमदार पशु जो श्वान है उनके मतलब माता पिता पर आ जाता है बजाय के बच्चों के, तो वो उनके एसेट की जगह एक लायबिलिटी हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखें, तय कर लें कि सभी सारे सदस्य पूरी तरह से उसमें दिलचस्पी लेंगे। फिर प्रश्न आता है कि आप मेल लेना चाहते हैं कि फीमेल लेना चाहते हैं, ये भी एक बहुत पेचीदा प्रश्न है। यदि आप फीमेल लेते हैं तो उसकी तकलीफ़ें अलग हैं। तकलीफ़ें ये हैं कि हर मादा साल में 2 बार हीट पर आती है, तो उनकी क्रॉसिंग और मेटिंग भी करवानी होती है। कई बार अवॉइड नहीं कर सकते तो अनवांटेड मेटिंग हो जाती है, गलत पप्स पैदा हो जाते हैं। मेल की अपनी परेशानी है। अगर आप नर श्वान पालते हैं तो नर जो मेल होता है वो अक्सर हीट के दौरान अक्सर घर से बाहर निकल जाता है और वो लड़के भिड़के भी आ जाता है, कई बार लड़ाई भी हो जाती है। तो आपको एहतियात बरतना होगी कि दोनों सूरतों में, आप मेल लें या फीमेल लें, उसकी सुरक्षा करना, ख़ासतौर से उन 13 दिनों में जब वो हीट पे होती है तब आपको फीमेल की सुरक्षा करना ज़रूरी होती है, अन्यथा बनती बात बिगड़ सकती है। तो आप ये तय करें कि आपको कुत्ता लेना है या फीमेल लेना है। तीसरी बात हमारे साथ ख़ासतौर से ये आती है कि आपका परिवार मांसाहारी है या शाकाहारी है। यदि आप बड़ी ब्रीड लेते हैं तो जाहिर है कि उनको बड़ी ब्रीड की ज़रूरत होती है कि उनको नॉन वेजिटेरियन फूड भी लगता है। अगर आप शाकाहारी प्रवृत्ति के हैं, आपके घर पर मांसाहार नहीं उपलब्ध है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप मीडियम साइज़ की ब्रीड या छोटी ब्रीड पालें जो आमतौर पर वेजिटेरियन डाइट पर उसको रखा जा सकता है। अगली बात ये आती है कि आपका भवन किस तरह का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आमतौर पर छोटे फ्लैट में लोग बड़े बड़े डॉग्स ले आते हैं, और जब बड़े डॉग्स ले आते हैं तो उनके बेडरूम और ड्राइंग रूम के साइज़ इतने छोटे होते हैं कि वो डॉग्स को एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। ये तकलीफ़ श्वान के साथ भी आती है और ये तकलीफ़ श्वान पालक के साथ भी आती है, क्योंकि पाल तो लेते हैं, ना उसे छोड़ते बनता है ना रखते बनता है, लेकिन ज़्यादा साइज़ होने की वजह से एकोमोडेशन में प्रॉब्लम आती है। तो यदि आपके पास फ्लैट है तो फ्लैट की ब्रीड्स अलग हैं, और अगर आपके पास बैंगलो है तो बैंगलो की ब्रीड्स अलग हैं। ये सब चीज़ों का तय करने के बाद आप ये तय करें कि आपके पॉकेट की गुंजाइश कितनी है। जी हाँ, आजकल डॉग्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, जो केसीआई से रजिस्टर्ड डॉग होते हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है, तो आप अपने बजट के मुताबिक भी डॉग को तय करें। एक बात और भी है, यदि आप पप्स खरीदने जा रहे हैं तो आप ये तय करें कि घर में किसी को अस्थमा या एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि डॉग्स के बाल साल में 2 बार गिरते ही गिरते हैं, और वो जो बाल होते हैं वो कई बार एलर्जी का कारण बनते हैं। तो आप कोशिश करें कि यदि इस तरह का कोई पेशेंट है या आपको बालों से प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप ये समझिए कि आपको बिना बालों वाला डॉग, बेयर कोटेड एनिमल्स लाइक डैशुंड हुआ या फिर सिंगल कोटेड जर्मन शेफर्ड हुआ या कम बालों वाला डैलमेशियन हुआ, बॉक्सर हुआ, इस तरह की ब्रीड्स लाना मुफीद है। यदि आपकी रुचि सुंदर देखने वाले डॉग्स में है तो आपको चाहिए कि आप पूडल ले सकते हैं, एप्सो ले सकते हैं, जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द ब्रीड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह की ब्रीड ले लाएँ। यदि आपका घर किसी पॉश कॉलोनी में या ऐसी जगह लोकेलिटी में कि जहाँ पे सुरक्षा की ज़रूरत है, तो आपको जाहिर तौर पे आपको बड़े डॉग्स जो आक्रामक होते हैं वो पालना होंगे, जैसे रॉटवेलर आक्रामक डॉग्स है, कुछ हाउंड ब्रीड्स होती हैं वो आप पाल सकते हैं, और ग्रेडेन ले सकते हैं जो ह्यूज डॉग्स होता है, देखने से ही आदमी डर जाता है। जर्मन शेफर्ड बहुत वफादार, बहुत फैथफुल, लेकिन बहुत ऑफेंसिव, ये एनिमल्स आप, ये डॉग्स आप पाल सकते हैं। तो ये रही बात डॉग्स के चयन की। लेकिन अभी जो सीज़न चल रहा है वो सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों के सीज़न में आपको पप की ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इस मौके पर लेने से आपको पप सस्ते भी मिलते हैं,
सिलेक्शन भी अच्छा होता है और आपको आपके पास बहुतायत में पप्स उपलब्ध होते हैं, तो उसमें सिलेक्शन बहुत आसानी से होता है। जहाँ से भी आप खरीदेंगे आप तय करें कि उस ब्रीडर का उस शहर में नाम हो। कोई भी आके आपको किसी भी तरह का डॉग टिका जाए, ये आपको चूंकि ज़िंदगी भर उसको पालना है और डॉग और आपका बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि आपने एक बार डॉग पाल लिया तो आप उसको कैसा भी देसी डॉग भी क्यों नहीं हो, आप उसको अपने परिवार से अलग नहीं कर सकते, वो आपके फैमिली का मेंबर हो जाता है। तो ये चयन की प्रक्रिया बहुत पेचीदा है लेकिन बहुत महत्व की है, क्योंकि एक बार आपका बॉन्ड उससे डेवलप होता है तो उसको आपको 13, 14 या 15 साल तक उस डॉग को आपके साथ रहना है। फिर बात आती है इंडिविजुअल सिलेक्शन की। यदि आप पप को ख़रीदने जा रहे हैं तो जिसे दुकान पर जा रहे हैं या किसी ब्रीडिंग फॉर्म पर जा रहे हैं तो आप उस पप को देख लें कि वो कितना एक्टिव है। यानी अगर 4-5 पप्स आपको नज़र आ रहे हैं उसमें से एक दौड़ता भागता दिखे, उसकी आंखें चौकन्नी हो, आंखों से सिक्रीशन न हो, बालों पर हाथ लगा के देख लें कि कहीं उसके कहीं चोट तो नहीं है, किसी तरह की स्किन की डिसीज़ तो नहीं है। आप ये भी देख लें कि उसके अंदर टिक्स तो नहीं है, जुए ये नहीं है, वो आप साफ कर लें। और ख़ास तौर से ब्रीड का कन्फर्मेशन अगर बहुत अच्छा है, मदर फादर भी साथ में देखने को मिल जाए, तो ये तय हो जाएगा कि जो बच्चा है वो बड़ा होकर उनके माँ या बाप जैसा ही निकलेगा। तो आपको गैम्बलिंग की गुंजाइश नहीं रहेगी, आपके साथ कोई धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी यदि आप पेरेंट्स को देख के अपना पेट खरीदते हैं। साथ ही आप ब्रीड को कंफर्म कर लें, आपने जो पिक्चर में ब्रीड देखी है वो मिला लें कि बिल्कुल उसके कैरेक्टर्स वैसे ही मिलते हैं। आमतौर पर जो छोटा पपी होता है उसके लक्षण इतने ज़्यादा उभर कर नहीं आते कि आप पहचान पाएँ, इसमें आपको वेटनरी डॉक्टर की ज़रूरत होगी। तो आप किसी वेटनरी डॉक्टर को बुलाएँ साथ में और उसके बाद ही उसकी मदद के ज़रिए आप पप का सिलेक्शन करें, इससे आपके साथ कोई गलत बात नहीं होगी, कोई धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। तो इस तरह से यदि हम डॉग के सिलेक्शन में कुछ सावधानियां बरतें तो बहुत अच्छी बात है। तो आप दोस्तों ध्यान रखिए, यदि आप श्वान खरीदने जा रहे हैं, पप खरीदने जा रहे हैं, तो इतनी सारी बातें अगर आपने जहन में रखेंगी तो निश्चित रूप से एक अच्छा साथी आप अपने घर पर पा सकेंगे।